हे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। चलिए, आज मैं फिर आपके लिए एक नए बुक के साथ आया हूँ। बुक का नाम आप देख ही सकते हैं, द पावर ऑफ हैबिट। आज हम इसी बुक का अनबॉक्सिंग करेंगे, वाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। यहाँ देख सकते हैं, चार्ल्स ड्यूक इनके राइटर हैं। तो फ्रेंड, आज हम इस बुक का अनबॉक्सिंग करेंगे, इस बुक को खोलेंगे और देखेंगे कि इस बुक में कितने पेजेस दिए हुए हैं, इसके चैप्टर कौन कौन से हैं और इसका प्राइस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट में इसका हम रिव्यू देखेंगे, उसे जानेंगे कि इसका ज़्यादातर इम्पोर्टेंस, ज़्यादातर लोगों ने क्या लिखा है इस बुक के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए। वेलकम इनोलिका। दिस वीडियो गिव्स शॉर्ट व्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बुक अबाउट इट्स यूज, इट्स रिव्यू, इट्स प्राइस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। थ्रू दिस वीडियो एवरी वन सी द फ्यू बुक पेजेज एंड इट्स सब कंटेंट। आफ्टर इट पीपुल कैन एनालाइज इट दैट दिस बुक इज रियली हेल्पफुल और नॉट इन हिज और हर लाइफ। आई अप्रिशिएट द ऑथर ऑफ द बुक फॉर राइटिंग सच ए ग्रेट बुक। दिस वीडियो ऑल्सो हेल्प देम इन सेलिंग देयर बुक। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरी वन लाइक स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, रीडर एंड सो ऑन। By this way, a person choose their best book and change life. Thanks. चलिए फ्रेंड, बुक को अनबॉक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, इसका कंटेंट आ ही गया है। तो पार्ट वन खुल चुका है। देख सकते हैं, दी हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स, दी हैबिट लो हैबिट, हाउ हैबिट वर्क, कैसे आदत वर्क करता है, दी क्रेविंग ब्रेन। अगला चैप्टर हम यही पढ़ेंगे इसमें। देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट, हम नई आदत कैसे बनाएं, दी गोल्डन रूल्स ऑफ हैबिट चेंज, वाई ट्रांसफॉर्मेशन ओकर्स। तो पार्ट वन में तीन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमको लग रहा है यही पढ़ाया जाएगा, पढ़ेंगे आप इसमें। पार्ट टू में द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का हैबिट क्या हो सकता है, विच हैबिट मैटर मोस्ट, की स्टोन हैबिट और द बॉलेड ऑफ पॉल ओनेल। अगर देख सकते हैं, स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस, विल वेन विल पावर बिकम ऑटोमेटिक, द पावर ऑफ क्राइसिस, हाउ लीडर क्रिएट हैबिट थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन, हाउ टारगेट नो वॉट यू वॉन्ट बिफोर यू डू। तो पार्ट थ्री में हम यह देख कर पढ़ेंगे, दी हैबिट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें भी देखिए, सब मिलाकर नौ चैप्टर दिया हुआ है, तीन पार्ट, नौ चैप्टर दिया हुआ है। तो हम एक पार्ट खोल कर देखते हैं इसका। देख सकते हैं, दी हैबिट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट वन खुल चुका है, दी हैबिट लूप आप देख सकते हैं यहाँ खुल चुका है। अभी इसमें भी कुछ स्टोरी दिया हो रहेगा और स्टोरी के माध्यम से बुक के बारे में बताया जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं, इसके पेजेस देख रहे हैं, इंग्लिश में लिखा गया है, एक स्टोरी टाइप में लिखा गया, आप देख सकते हैं। कुछ इमेज भी दिया गया है, समझाने के लिए दिया गया है इमेज, देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रैट का इमेज दिया हुआ है, रूटीन यहाँ से चलता है और यहीं पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, यहीं पहुँचता है, तो रूटीन है। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 पेज के अप्रॉक्सीमेटली पार कर चुका है, 20 पेज का एक चैप्टर है, फिर चैप्टर टू आ जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम इसका अब रिव्यू दिखा रहे हैं लोगों का, इसका प्राइस बता रहे हैं, किसका क्या प्राइस है। तो हे फ्रेंड, हम आ चुके हैं अमेजन पर, आप देख सकते हैं वही बुक है, दी पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डीहूग, ये है इनके राइटर। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज दिया हुआ है और इनका प्राइस पेपर बैक फॉर्मेट 233 है, 2160 भी है, तो लगभग 200 के बीच में आपको मिल जाएगा यह बुक। पेजेज इसमें 402 है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। हम आगे बढ़ रहे हैं इस बुक के बारे में और कुछ कुछ देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहे तो रोक कर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। और आगे इसका कस्टमर रिव्यूज 4.5 out of 5 मिला है। फिर यहाँ देखिए, इसका रेटिंग रिव्यू भी कुछ कुछ लिखा गया है, एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग बुक है। अच्छा, कहाँ देखिए, फेनोमिनल है, हैबिट रूटीन एंड विल पावर आर रेस्टेंट, ए बुक फुल ऑफ नॉलेज, इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑन पीपल हैबिट कंपनी सोसाइटी गेटिंग टू बॉटम। तो जिससे अच्छी, काफ़ी अच्छी रिव्यू इसमें दी गई है। आगे देखिए, ग्रेट बुक फॉर एवरी वन लुकिंग टू अंडरस्टैंड एंड बिकम अवेयर ऑफ ओन हैबिट। तो ए सेटिस्फैक्टरी बुक, दी बुक रन लाइक एन एकेडमिक बुक, देख सकते हैं, हैबिट ए क्रूज ऑफ हार्ट। तो यहाँ बेनिफिट आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, अमेजिंग बुक, दिस बुक इज जस्ट सो अमेजिंग मैन, आई एम रियली थ्रिलेड टू लर्न दिस न्यू नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट इन माई लाइफ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मस्ट रीड, दिस इज लाइफ चेंजिंग बुक, वन डाउट नो डाउट अबाउट इट, इट इज मस्ट रीड फॉर एनी वन एवरी वन। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी शानदार रिव्यू दिया है, इनक्रेडिबल, बिलीव मी और नोट बट एवरी थिंग आई राइटिंग हियर ट्रू, आई एम 20 ईयर नॉर्मल मैन लिविंग इन इंग्लैंड एंड दिस बुक हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा रिव्यू इसमें दिया हुआ है, और भी रिव्यू है यहाँ पर, देख सकते हैं इसका
एक दो नेगेटिव रिव्यू भी आपको मिल जाएगा देखने को, पर इसका पॉजिटिव रिव्यू काफ़ी ख़तरनाक है। यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं बुक तो अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ